अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोकिंग मैनिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे खैरियत से। तो अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जोकिंग मैनिया को। इस जोकिंग मैनिया में जो है मैं तरह तरह की वीडियोज़ वगैरह डालता रहूँगा। जिस तरह आज जो है मैं बर्ड्स का ब्लॉग डालूँगा, जो आपको पूरा सेटअप टूर मैं करवाऊँगा बर्ड्स का, और आपको अपने स्कूल भी लेके जाऊँगा। वहाँ से मैंने कुरान उठाना है तो इसलिए आपको वहाँ पर स्कूल भी लेके जाऊँगा। वो स्कूल वाला जो है ना थोड़ा आखिर में, तो वो जो आप आखिर में देखना, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको अपने बर्ड्स के पास लेके चलता हूँ, ठीक है। शुरू होती है हमारी बर्ड सवेरी। ये देखिए, ये जो है तोतू रॉ पैरेट है। इसका नाम हमने नहीं रखा अभी तक, इसका नाम भी हम ब्लॉग्स में रखा करेंगे। ये देखें, हैंड टेम है बिल्कुल। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जो है ये बड़ा अच्छा तोता है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो थोड़ा बड़ा हो गया ना तो इसलिए एग्रेसिव हो गया। लेकिन ये और वो जो है वो जोड़ी है, ठीक है। बाकी इसकी सास का था, वो सडनली उसकी डेथ हो गई थी। वो उसने कहीं इधर से छलांग मारी थी, इधर पानी गिरा हुआ था कहीं पर, सर्दियों के दिन थे तो वो इधर गिर के जो है मर गया था। फिर हमने उसको दफना लिया था नीचे, तो ये उसके साथ का, ठीक है। इधर जो अंदर लव बर्ड्स हैं, लेकिन अभी वो निकल नहीं रहे, क्योंकि मैं इनका हिलाता हूँ। निकलेंगे पता नहीं कहीं, देखने के लिए निकली। इस तरह के दो हैं हमारे पास, एक ये है और एक वो जो रेनबो कलर का होता है ना, एक वो है। बाकी ये भी लव बर्ड्स हैं। ऊपर ये कॉकटेल पड़े हैं, और उसके बाद ये है हमारे पास फॉर्मी चूजा है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह से ये महीने से ऊपर का हो गया माशाल्लाह। ये देखें, और वो जो है तीनों असील चूजे हैं। देखें वो तीनों इधर हैं। इनको कल ही हमने वहाँ से रदा की और इनको हमने इधर रखा है, ताकि हम इनको इसके साथ ही पाल सकें, वरना नहीं तो ये बड़े होकर तीनों एक साथ लड़ते। देखें जो है मेरे से बाहर निकला, तो मैंने सोचा है वो अभी स्कूल जाना है, वहाँ से बस कुरान उठाने हैं और आपको स्कूल भी थोड़ा बहुत दिखा देंगे। तो ठीक है, चलते हैं अभी। इधर से बस लाइट ऑन करनी है जाके कुरान। ये है हमारा मदरसा, मैं उधर जा रहा हूँ बैग रखने। लेकिन इधर से वो, इधर से देखें, ये कुरान मेरा इधर कहीं पर पढ़ा है। ये देखें, ये पढ़ा है कुरान, ठीक है। ये कुरान उठा लेते हैं और फिर चलते हैं, ठीक है। चलो 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 चलो, इसको इधर रखो। कुरान वगैरह तो हमने ले लिया, जिस तरह के भी अपने जो है पिछले पार्ट्स में, पिछले क्लिप्स में आपने देखा कि हमने जो है कुरान ले लिया। तो हम गए थे स्कूल, वो जो था हमारा मदरसा टाइप था, मतलब वहाँ पर जो है हम हिफ्ज़ करते हैं। मेरे पीछे भी इधर एक मदरसा है, ये देखिए, अय्यर 3 संगम मार्केट। आप सर्च करेंगे और उसमें जाके आप माज़ बिन जबल लिखेंगे तो वो आ जाए। तो यार हम जो हैं वो घर पहुँच चुके हैं, तो अब जो है भाई करना ये है कि अब जो है मैं ऊपर जाऊंगा और आप लोगों को चल के जो है बाकी अपना सेटअप वोटअप दिखाऊंगा, और खरगोशों के भी हम खाना वगैरह खिलाएंगे।
तो चलो जी चलते हैं फटाक से ऊपर। इसको ऑन करो। वहीं हम जो छत पहुंच चुके हैं। ये तो बहुत धूप है, लेकिन ये हमारा एज ए मास्टर केस टाइप हमने बनाया है, बहुत बड़ा केस। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा परिंदे मिले, मतलब ये देखिए। हम घास उठा लेते हैं, पत्ते शत्ते हमने इनके तोड़े हुए थे, हमने घास नहीं सॉरी ये पत्ते हैं शतूत के, और इसी तरह के शतूत के लुकाट के पत्ते हैं, ये खोलते हैं और इसके अंदर चलते हैं। ये मुर्गा बहुत मारने वाला मुर्गा है, अगर हम अंदर चले जाएँ लेकिन हमें बहुत घसीट दे पकड़ पड़ गए मार के, एक फोजों के पास फेंकते हैं। ये देखें ये वो जो तीन नीचे चूजे दिखाए थे, ये उसकी माँ है, ये असील है ना, असील मुर्गा। आज एक हमने ज़िबा करवाया, वो पहले इधर फेर आता था तो वो चला गया। देखें खरगोश, ये हमने इनका छोटा सा घर बनाया हुआ है, इसका भी आगे आगे और बताएँगे कि इसके अंदर हम क्या रखने। ये भी है और ये बाकी सारे फाख्ते वगैरह हैं, देखिए बाकी सारे फाख्ते हैं। ये खरगोश हैं और ये बाकी मुर्गियाँ वगैरह, ये देसी मुर्गा के साथ रखा है वो, देखें ये सारे कबूतर। और ये छोटा सा बिल्कुल छोटा सा चूजा, इतना भी आपको हमने नीचे दिखाया ना असील, तो ये बहुत छोटा सा था तो ये उसका है, ठीक है। ये असील वो इतना सा ही था, ये हमने इसको बड़ा किया, ठीक है। अभी इधर एक और मुर्गी थी, वो अंडों पे बैठी हुई है, वो एक उधर बैठी हुई है अंडों पे, और एक दिखाता हूँ मैं। इनको तो हम खाने देते हैं, ठीक है। अब इसको बाकी कल आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह बताऊँगा इसकी आगे, आज तो ऐसी सेटअप टूर करा लूँ ना। लाइट शाइट का मैं इंतज़ाम किया हुआ है, देखें वो एक मुर्गी जो इधर बैठी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बच्चे निकले थे रात को, ये देखें ये फिर, ये देखें 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 माशाल्लाह, ये भी है सील की बच्चे सारे, ये देखें रात को निकले, इस वजह से छोटे हैं अभी, इसको बंद कर दें ताकि ठंड ना लगे। तो आपने देख लिया, ये जो सारा पिंजरा था ये पहले उस जगह में था, इसलिए आपको उस जगह पर पेंट नहीं हुआ नज़र आ रहा, तो इसलिए अब हमने सारा इधर शिफ्ट किया है, क्योंकि इधर कबूतर वगैरह भी एक ही जगह में थे और ये खरगोश वगैरह भी हमने इनको एक जगह में कर दिया, और बाकी फाख्तों को भी एक ही जगह में कर दिया ताकि एक जू सा छोटा सा बन जाए कि भाई इधर तो देखो सारी चीज़ें हैं, तो ये छोटा सा नज़र आ जाए, एक दफ़ा इनको खाना डालें तो सारे खाना शुरू हो रहे हैं। भी अच्छा था, हमने परिंदों शरिंदों से भरनी है, तो आगे आगे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप देखते जाएँ। चलते हैं नीचे और नीचे वाले परिंदे ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें एक्वेरियम भी हमने रखा हुआ है बीच में, तो इस आगे आगे इसमें भी हम मछलियाँ लाएंगे जब थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी ना, फिर मार जाती हैं। फिर अभी तो मिडल मौसम है तो इसलिए कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी। ये देखें इधर भी सब ठीक है, ऑल सेट। उम्मीद करता हूँ कि जो छोटा सा मिनी ब्लॉग मेरा है सेटअप टूर का, वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे 108 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और आगे 1000 तक पहुँचाने में आपने हमारा साथ देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, और कल मुलाकात होगी एक अच्छे से ब्लॉग में। गैस अल्लाह हाफिज़।